मुझे लगता है अताफ भाई चले गए, मुझे लगता है कि वो ऐसे लोगों पर प्रतिक्रिया देना भी बंद कर देना चाहिए। वो लड़ाई में तो कहीं है नहीं। आज मैं फिर एक वीडियो वायरल से देख रहा था, आपको भेजूंगा देख लीजिएगा। फिर आज क्या है, पांच लोग खड़े हैं मंत्री जी और जनता ने वहां से उनको भगा दिया। चार दिन पहले श्रीनगर में हुआ था, जब जगह जगह जनता भगा देती है, बाहर के लोग आने कम कर देते हैं, तो जवानी अठन्नी और फोटा रुपया तीनों आकर टीवी पर यूट्यूब चैनलों के सामने बकबक करने लगते हैं कि लोग नोटिस ले। जिसकी जमानत नहीं बच रही हो उसकी इतनी हैसियत नहीं कि हमारे जवान पर उसका नाम आए। घोसी के मालिकों, आपको लोकतंत्र ने अधिकार दिया है और आपको इस अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए कि अगर कोई आपके बीच में आता है तो आप उससे सवाल करें। आप चुनाव लड़ने तो आगे हो, हम आपको वोट क्यों दें, आपको क्या क्या है। अरे दसवा जो कहा देने से पहले पता करो ना, फिर नौ पास के लेबर ना के लेबर तब ना कोर्ट में बैठबो के सीधे तीसरी का लेबर। जिनका इतिहास ही रहा हो अल्ता भाई को कहते मेला घूमनी। मैंने कल मोहम्मदाबाद में एक और मेला घूमनी और मेला लुटनी दोनों को बोले, मेला लुटनी भी हो गए। अरे भाई उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर जिसकी धौंस वो दिखाते रहते हैं हर जगह, मंच पर खड़ा होकर कहे कि कहीं समाजवादियों की या किसी लोगों की गाड़ी दिखे तो उसमें से पैसे लूट लो, 10 लाख से आओ तो 9 लाख में पॉकेट में रख लो, 1 लाख रुपया दरोगा जी को बता दो और पुलिस वही खड़ी हो। जो सरेआम अपने कार्यकर्ताओं को डकैती और लूट करने के लिए बोलता हो, ऐसे लुटेरों से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? घोसी को लूटने वालों की उनकी हैसियत दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? घोसी के लूटने वालों, आपने बलिया को भी लूटने की कोशिश करी थी बांस डी में, आपने शिव को भी लूटने की कोशिश करी थी। तो मेला घूमनी और मेला लुटने वाले लोगों को मैं हम बताना चाहते हैं कि हाँ समाजवादी है, ऐसा दुस्साहस करना मत, नहीं तो लूटना तो दो, चुनाव लड़ना भूल जाओगे, वैसे भी चुनाव के बाद आपके कोई दिक्कत नहीं वाला है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूँ, अगर मैं आवाज जा रही हूँ, मैं तो चाहूंगा कि हमारे संगठन के लोग इसको गंभीरता से ले, कि अगर पुलिस के सामने कल्पना करिए कोई एक आम आदमी खड़ा होकर कहे कि गाड़ी जा रहे हो गाड़ी में से लूट लो, थोड़ा सा पुलिस वाले को दे दो बाकी अपने पास रखो, तत्काल केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो मैं पुलिस से मांग करूंगा कि तत्काल संबंधित धाराओं में केस हो। और पिछले 6 महीने में घोसी मऊ में जितनी छिनैती और डकैती हुई है उसकी पुनर्विवेचना की जाए कि नहीं, यही क्रोध तो उसमें शामिल नहीं था। साथियों, जो आपके मुसीबत में काम नहीं आया, जो आपके दुख सुख में काम नहीं आया, मैं चुनाव लड़ा था 2014 का, हार गया था। मेरे गुरु ने कहा कि जनता के बीच से चुनकर अपना संघर्ष करना, मेरे गुरु नहीं रहे लेकिन मैं उस वादे को निभाता रहा। मैंने आपसे भी वादा किया था कि घोसी छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा, आपके बीच रहा था, क्योंकि जो वोट पाए थे उन लोगों का तो आशीर्वाद मेरे मुझे मिला था। जीत और हार एक टेक्निकल बात होती है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जिन्होंने आपको वोट दिया था, आप उनको छोड़कर चले जाएंगे? जिन्होंने बूथों पर आपके लिए झगड़ा किया होगा, जिन्होंने गांव में आपके लिए झगड़ा किया होगा, जो आदरणीय गणेश सिंह के लिए झगड़ा किया होगा, आप हार गए वहां से किसके लिए? ये लोकतंत्र तो नहीं है, ये मजाक तंत्र है। मजा नहीं आया कहीं और निकल लिया। 14 में बांस जैसे लड़े,
लौट कर उन लोगों के सुख दुख में कभी नहीं गए जिन्होंने वहां से सब को उठ दिया। 22 में बनारस चला, अब बेचारे कोर्ट में ही भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया और इन्होंने क्या कहा वो सब आप जानते हैं। हार गए, वहां लौट कर नहीं गए। मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में हैट्रिक देकर आप वो इंतजाम कर देंगे कि जाने लायक क्या, फिर कैसे लड़ने लायक ही न रहे, कोई पार्टी टिकट ही न दे।